ये सप्लाई हुई और कितनी वहाँ से ख़रीदी जा रही है ये डिमांड हुई तो इसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं और बैलेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती ये अगर डिमांड तो यही तो सारा मसला है ना कि डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो फिर सप्लाई जो है उस हिसाब से या उसको सप्लाई इंक्रीज़ करें या प्राइस इंक्रीज़ करें तो में से एक चीज़ हो जाती है तो ये पाकिस्तान का मॉडल है ये जो सारी चीज़ें हैं जो सोलर न्यूक्लियर हाइड्रो बुनियादी चीज़ जो समझने की इसमें यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर जगह के लिए कि जो ऑयल होता है वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है इसका मतलब नहीं कि हंड्रेड परसेंट लेकिन ज़्यादातर जैसे आप देखें यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल के लिए भी इस्तेमाल होता है ऑयल और इंडस्ट्री के लिए भी ऑयल इस्तेमाल होता है लेकिन प्राइमरी जो है उसका यूज़ वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है हमारे पास जो रीन्यूबल एनर्जी सोर्सेज वो बहुत ही मिनिमम है अब देखें ये सारी उसकी लाइन की विट देखें कितनी है वो वो बहुत ही कम विट है ना इसका मतलब है कि वी आर वेरी लिटल सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो कि हमें थोड़ा सा बचा लेती है क्योंकि तरबेला है मंगला वगैरह जो डैम्स बन रहे हैं और नया डैम बना है उसकी वजह से कुछ बचत हो जाती है अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है कोई मेजर कंट्रीब्यूशन इसका हो पाकिस्तान की एनर्जी पिक्चर के अंदर नेचुरल गैस है नेचुरल uh, गैस है और कुछ लोग कहते हैं थी सुई uh, गैस का तो आपने कहानी सुनी होगी कि जो थी वो इतनी कम हो गई ये कभी पहले जब डिस्कवर हुई थी सुई गैस तो उन्होंने कहा था कि जी आ, कोई सौ दो डेढ़ सौ साल तक के लिए गैस वहाँ पर मौजूद है अब वो कहाँ गई वो गैस या तो एक औरिजिनल एस्टिमेट उनका गलत था या उनकी लीकेज है या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है बैरल वो सब उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन वो गैस जो है वो ज़्यादातर हाउस होल्ड यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ जो होती है वो ज़्यादातर खाद बनाने के लिए एंग्रो यूरिया वगैरह वाले जो करते हैं इस्तेमाल करते हैं गैस मै, मैथेन गैस नेचुरल गैस इज़ मैथेन गैस और फिर कोल जो है कोल ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता है कोल का उसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं थोड़ा सा रेजिडेंशियल इस्तेमाल होता है लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ये है दो की पिक्चर अब दो से अब तक के जो ये थर के जो प्लांट जो लगे हैं ना दो पावर प्लांट तो उसकी वजह से काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से होम यूजेज़ और इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो उसके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अदरवाइज़ जो ये कोल जो है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता है बायोमैस देखें आप जरा कितनी बड़ी इसके अंदर बायोमैस की वह है लाइन ये एक पुरानी ये पता नहीं उसे कल्चरल कह लें या कुछ कह लें कि हम लोग अभी तक के या वो जो लेप वो जो काव डंग का बनाते हैं ना वो उससे बनाते हैं उससे जलाते हैं या लकड़ी जंगल में जाए लकड़ी काट के ले आए उसको जला देते हैं वो बहुत ही पोलूटिंग चीज़ें होती हैं पुराने वक्त में जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी तो कोई बात नहीं वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाती थी अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सब लोग वो इस तरह इस्तेमाल करने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो ये आ, ये एक चीज़ है जो कि इवेंचुअली इट हैज़ टू बी रिमूव कम्प्लीटली बिकॉज इट इज़ वेरी पोलूटिंग अब उसके बरक्स अब यूनाटेड स्टेट्स का सप्लाई एंड डिमांड इकनॉमिक मॉडल तो इसमें एक तो ये कि काफ़ी बड़ी कोई कंपेरिजन है नहीं लेकिन हर चीज़ की जो इस्तेमाल है वही है इसका मतलब जो तेल है वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होगी बल्कि अस्सी नब्बे फीसद तक के वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है हाँ वो कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता था अब जो है उस कोयले का इस्तेमाल कम हो गया है अब वो गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया ये 2018 की फिकर है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है कि जी कोल से पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो इस वजह से उसको कम किया जाए तो अब उसको निकाल के गैस इस्तेमाल करते हैं और इसकी दूसरी वजह भी आपको बताई मैंने कि वो जो फ्रैकिंग से को गैस निकलती है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको ऐड किया जाए ना अमेरिका के अंदर तो उनकी अपनी जरूरत पूरी पूरी हो जाती हैं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी बच जाती है लेकिन वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम गैस तक के पहुंचेंगे तो वो है तो वो गैस ज़्यादातर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो जैसे मैंने आपको बताया ना वो खाद के लिए जो यूरिया वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो इस्तेमाल होती है और फिर बाकी बचे तेल तो वो तो उसका आपको पता है कि क्या उसका मेजर इस्तेमाल है तो ये जो सप्लाई है और ये जो डिमांड है ये दिस डिटर्मेंस के प्राइस कितनी होगी प्राइस वेरी कैसे होगी इसमें कोई एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व नहीं है इस डायग्राम्स के अंदर कि पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हो गई अब मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीर की पॉलिटिकल प्रॉब्लम से कितनी फ्लक्चुएट होती है प्राइसिस वो इसमें कुछ नहीं है सिर्फ सिंपली कितनी एनर्जी मार्केट में आ रही है और कितनी एनर्जी खरीदी जा रही है ये सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक मॉडल है ये जो ट्रेड डेफिसिट के जो चीज़ें हम किसी कंट्री को बेचते हैं और किसी कंट्री से लेते हैं तो उसमें फ़र्क कितना है अब यह ट्रेड डेफिसिट देखें आप ये यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अब जो है इस वक्त ट्रेड डेफिसिट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना की तरफ एक ट्रिलियन डॉलर हो गया एक ट्रिलियन डॉलर उल्टे तस्वीर देखें चाइना के जो है वो इस वक्त 2021 में 859 बिलियन डॉलर सबसे अब ये देखें ये जो है इसके अंदर क्या मिसिंग है कौन सी कंट्रीज़ में नहीं है जो कंट्रीज़ में नहीं है वो सऊदी अरेबिया है इसकी वजह ये है कि जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका सऊदी अरेबिया को उसकी वजह से ये जो है कवर हो जाता है सारा इनका जो ट्रेड डेफिसिट है